दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 और पोको X3 Pro के बारे में। दोस्तों कल का वीडियो में मैंने दिखाया था चार कुरियर मैंने रिसीव किया था जिनका कि बाहर से आया था अलग अलग कंट्री से, और चारों का चारों मोबाइल जो है रेडी हो चुका है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये है एक और ये है दो और ये है तीन। अगर मैं दिखाता हूँ एक एक करके देख लो, पहले ये है तीन और ये है चौथा। देखिए ये चारों मोबाइल जो है रेडी हो चुका है, चारों का चारों जो है पोको X3 पोको X3 Pro है। और आप लोग अगर देख सकते हो चारों का चारों मोबाइल जो है पोको X3 और पोको X3 Pro है। चारों का चारों मोबाइल जो है रेडी हो चुका है। इसमें से तीन मोबाइल जो है कहीं पे काम नहीं हुआ था, एक मोबाइल जो है कहीं पे थोड़ा काम हुआ था। सभी मोबाइल जो है रेडी हो चुका है। अगर आप भी अपना मोबाइल बनाना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपना मोबाइल को मेरे पास भेज के रिपेयर करा सकते हो। डिटेल्स में वीडियो में आखिरी में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिये दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा एक नया चैनल है फ्री मोबाइल टेक के नाम से, उस चैनल को जाके थोड़ा विजिट कर लो, उसको थोड़ा सपोर्ट कर दो। वो चैनल को थोड़ा सा आप लोग का मतलब आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो वो जल्द से जल्द जो है बड़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत सारा चीज में डरते हो कि हम मोबाइल भेजेंगे रिपेयर होके नहीं आएगा, रिपेयर नहीं होगा, या तो फिर आपका मोबाइल नहीं रिटर्न आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मेरे से बात करना, डायरेक्ट मेरे से वीडियो कॉलिंग करके बात करना। मैं जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा वीडियो में, कहीं पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आराम से उस नंबर में कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपके पास पोको X3 पोको X3 Pro पोको X2 या तो रेडमी नोट 10 इसमें से कोई भी मोबाइल है जिसमें कि ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, फ्रंट कैमरा, साउंड, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, या तो पोको X2 में टच काम नहीं करता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हम के मतलब आप हमें अपना मोबाइल को भेज के बिल्कुल सही तरीके से रिपेयर करा सकते हो। सभी पार्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए आप बिना चिंता के आप हमारे पास अपना मोबाइल को भेज के आराम से मोबाइल रिपेयर करा सकते हो कम से कम पैसा में। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। डरने का एकदम जरूरत नहीं है, और इस वीडियो में एक लाइक कर दो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करो, फेसबुक में इंस्टाग्राम में भी शेयर कर दो, तभी आपको भी पता चले और आपका दोस्त लोग को भी पता चले कि हाँ एक्चुअली में आपका मोबाइल या तो दूसरा किसी का भी मोबाइल इधर उधर जाके रिपेयरिंग ना हो, खराब ना हो, सही तरीका से रिपेयरिंग हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।